अभी फिजिकली ये बेटर है, काफी है, अच्छा है। तबीयत कैसी है अभी? अभी ठीक है भाई, अभी ठीक है। और ये बहुत दिन से ना जिद कर रहा था कि सर मुझे घर पे ऐसे अच्छा नहीं लगता, घर पे ऐसे वाली है बहुत, इसके लिए हम सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो उसमें हमने संतोष को रख दिया है कि तुम्हें भी ऐसा फील ना हो कि आप घर पे बैठे हुए हो। तो ये आता है, दो चार घंटे वहां पे बैठता है और फिर ये चला जाता है। नहीं तो अभी इंशाल्लाह आपको हमारे साथ दिखते रहेंगे। सब बहुत पूछ रहे तुम्हारे बारे में, सब बहुत पूछ रहे थे। तो अभी संतोष आपको दिखता रहेगा और बस आप सब दुआ करें जल्द से जल्द ये पहले जैसा बिल्कुल ठीक हो जाए, है कि नहीं? बट अभी भी काफी, पहले से जो बीच में काफी वीक हो गया था, अभी बहुत सही है, बहुत बेटर है और इंशाल्लाह आगे और अच्छा हो जाएगा, है कि नहीं? देख सकते हैं दोस्तों यहां पे शो है मैंने जो। तो बस अभी मैं हो गया हूँ जिम के लिए रेडी और अभी संतोष भाई आए थे, चले गए। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप में से कई लोगों ने बार बार पूछा है संतोष भैया के बारे में, आई थिंक मैंने कुछ दिन पहले एक बार स्टोरी में ये जब मैं आस्क में कर रहा था तब मैं बोला था कि संतोष भैया को किडनी में थोड़ा सा इनका इशू है, उनको डायलिसिस चल रहा है पिछले कुछ वक्त से, 1.5 साल हो गया है, 1.5-2 साल से उनको डायलिसिस चल रहा है। तो ड्राइविंग ऑफिस की बातें उनसे नहीं हो पा रही, तो हमने उनको बोला था कि आप घर पे रहो और हमसे जो कुछ भी हो सकता था हम उनको यू नो मंथली वो सारी चीजें। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दीपिका शो में आज सब कुछ क्लियर करती है। आप में से बहुत सारे लोग दीपिका के चैनल में और शोएब के चैनल में संतोष को देख चुके हैं पहले भी, क्योंकि दीपिका शोएब का ड्राइवर था और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गए थे, दोनों किडनियाँ खराब हो गया था और तभी उन्होंने काम जो आना बंद कर दिया था। लेकिन अभी जो है उनका डायलिसिस ठीक से चल रहा है, वो अभी ठीक है, इसीलिए बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद शोएब ने उनको काम दे ही दिया। और दीपिका का कुछ न्यू प्रोजेक्ट आने वाले हैं, आप लोग गेस करो कि क्या है, क्या करने वाला है वाली है दीपिका। लेकिन अभी तक वो लोग ब्लॉग में इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है, बहुत जल्द जो है आउट हो इंशाल्लाह सबको पता लग